आज हम आपसे बात करने वाले हैं कर्ज से जुड़ी हुई कुछ बातों की। यदि आपने किसी को लोन दे रखा है, कर्ज दे रखा है, या फिर आपके ऊपर कोई कर्ज है, पैसे से संबंधित कोई समस्या है, तो वास्तु के अनुसार या फिर किसी भी ज्योतिष के अनुसार क्या उसके उपाय कुछ किए जा सकते हैं, यही हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग अक्सर यह पूछते हैं कि लोन बहुत हो गया है, इससे संबंधित बहुत सी परेशानियां हैं, क्या करना चाहिए, तो आज इसी पर बात करने वाले हैं। अब ध्यान रखें कि लोन बढ़ता कैसे है, लोन होता कैसे है। कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम कम है, आय कम है और खर्च ज़्यादा है, तब वहाँ पर लोन बढ़ जाता है या कर्ज हो जाता है। और क्या होता है, एक कर्ज को उतारने के लिए व्यक्ति को दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता है और इस तरह कर्ज का पूरा भंडार लग जाता है, जो जीवन में उतारते उतारते व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब देखिए करना क्या है, आपको उपाय की बात करते हैं। जो आपका घर है उसका नॉर्थ डायरेक्शन देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर की दिशा है, वह इनकम का क्षेत्र है, धन का क्षेत्र है, धन की दिशा है, वह आपको नए अवसर देता है। यदि आपका नॉर्थ डायरेक्शन ब्लॉक है, जैसे कि वहाँ बहुत भारी वस्तुएं आपने रख रखी हैं, पुरानी चीज़ें उधर रखे हैं, टूटे फूटे बर्तन इत्यादि आपने रखे हैं, या फिर उधर साफ सफाई नहीं की जा रही है ठीक प्रकार से, तो आपका नॉर्थ ब्लॉक है। तो इसलिए आपको अपनी उत्तर दिशा को ध्यान से देखना है कि क्या समस्या है वहाँ पर, या आपने बहुत सी भारी भारी वस्तुएं उधर रख रखी हैं, तो उन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दें, नॉर्थ डायरेक्शन को आप साफ सुथरा रखें। तो क्योंकि अगर वो गंदा है, उस क्षेत्र में भारी वस्तुएं हैं, तो क्या है, नॉर्थ ब्लॉक हो जाता है और आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, इनकम नहीं होती है। नॉर्थ का डायरेक्शन पानी के लिए है, तो आप पानी वेस्ट ना कर दें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, नहीं तो आपको पानी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम इत्यादि हो सकता है, और आपका डॉक्टर के पास जाने से भी खर्च बढ़ जाएगा। अब नॉर्थ डायरेक्शन जल तत्व से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। उस दिशा में आप कोई जल की फोटो लगा सकते हैं, जल के स्रोत का कोई फोटो लगा सकते हैं, आप टेबल फाउंटेन उधर लगा सकते हैं, और पानी व्यर्थ नहीं करना है। पुनः कहना चाहूँगा, पानी व्यर्थ आपको नहीं करना है। आप नॉर्थ डायरेक्शन में समुद्र की भी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर उधर कोई विंडो इत्यादि है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप विंडो को ढकने के लिए नीले रंग के पर्दे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्टन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे नॉर्थ आपका एक्टिव हो जाएगा। और नॉर्थ डायरेक्शन को आपको साफ सुथरा भी आपने रख दिया है, तो नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और इस तरह से आपकी इनकम के स्रोत खुल जाएंगे। अब यदि आप पर कर्जा हो गया है, या फिर आपने किसी को पैसे दिए, वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, और सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि आपको उनके किसी मंत्र का भी जाप करना है, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। और कोई व्यक्ति है जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, एक व्हाइट पेपर पर, सफ़ेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है। हालांकि वापस ना करने कई कारण हो सकता है, हो सकता है वह व्यक्ति की इच्छा तो है आपको पैसे वापस करने की, लेकिन वह उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे मन से एक सफ़ेद कागज पर उस व्यक्ति का लाल पेन से नाम लिखें और उसमें दो कौड़ियाँ भी रख लें, और उसको फोल्ड करके घर में जो पूजा स्थल है वहाँ पर किसी किताब के नीचे दबा कर रख दें, और श्रद्धा भाव से मन में सोचें कि यह व्यक्ति हमें हमारे पैसे वापस कर दे और इसका भी कल्याण हो। जब उस व्यक्ति का कल्याण होगा, उस व्यक्ति के आय के स्रोत खुलेंगे, तभी तो वह आपको आपका पैसे वापस करेगा। जब उसके पास पैसे आएंगे, तभी आपको वापस कर सकता है। तो इस तरह ये करें, कारगर उपाय है, बढ़िया काम करता है। और पैसे से संबंधित कई बार यह भी समस्या होती है कि आपने कहीं से कर्ज लिया है, लेकिन आप वापस नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो आपकी इनकम नहीं आ रही है, सेविंग नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं है, जॉब चली गई है, तब आपको क्या करना है कि आपको एक स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ। उस स्विच वर्ड का
दिन में किसी भी एक बार 5 मिनट तक मन के अंदर ही जाप करना है जी। वह स्विचवर्ड है मूव ऑन क्लियर, मूव ऑन क्लियर, ये आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इस स्विचवर्ड का प्रतिदिन 5 मिनट इसको मन के अंदर ही चैंट करना है। एक दूसरा स्विचवर्ड भी आपकी स्क्रीन पर है टुगेदर डिवाइन कैंसिल, इसका भी आप प्रतिदिन एक बार 5 मिनट तक मन ही मन आपको चैंट करना है, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, इनकम के जो सोर्सेस हैं खुल जाएंगे, या फिर आपकी जॉब लग जाएगी या प्रमोशन हो जाएगा और आपकी इनकम के रास्ते खुल जाएंगे, पैसे और आने लगेंगे और आप अपने पैसे चुकता कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। यदि आप पे कर्ज ज़्यादा हो गया है तो अगला उपाय है कि आप घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सोइए। आपका जो बेडरूम होना चाहिए दक्षिण पश्चिम की तरफ होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यदि साउथ वेस्ट में आप नहीं सो सकते हैं किसी कारण से, बेडरूम कहीं और है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक अलमारी या फिर एक ऐसा बॉक्स रख सकते हैं जहाँ पे जिसमें आप पैसे रखते हैं, और ध्यान आपको ये रखना है कि जो बॉक्स है या अलमारी है उसका जो मुंह है, जो उसका मुख है वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में खुले, उत्तर या पूर्व की दिशा में खुलना चाहिए। और अपने सेविंग बॉक्स में एक शीशा रख सकते हैं, मिरर रख सकते हैं, क्योंकि मिरर क्या करता है, शीशा क्या करता है, चीज़ों को डबल ट्रिपल करता है। तो जब आपके पैसे की इमेज उसमें जाएगी तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह से आपका धन बढ़ने भी लगेगा। अब आपके खर्चे बहुत हैं, कोई भी सेविंग नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का एक बल्ब जला दें। आप कुछ दिन तक जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी सेविंग्स शुरू हो जाएगी, आपकी बचत होने लगेगी। साउथ ईस्ट कैश का डायरेक्शन है, वहाँ से अगर पैसे आने में कोई रुकावटें हो रही होती हैं तो वह दूर होती हैं। पैसे से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे नौकरी या जॉब नहीं है, सैलरी कम है, या पैसे आपके पास आते नहीं हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की पैसे से संबंधित कोई समस्या है, तो आप क्या करना है आपको, और आपको वास्तु इत्यादि का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, तब क्या करना है, एक स्विचवर्ड बताता हूँ 48 48, इसको 5 मिनट तक प्रतिदिन आप मन ही मन चैंट करें। तो चाहे आपकी सैलरी कम हो, जॉब नहीं है, जॉब में अच्छा आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपकी सारी चीज़ें समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और उपाय बताता हूँ, यदि आप में किसी भी प्रकार की हीन भावना है, आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन आपको मान सम्मान उतना नहीं मिल पाता, आपके घर वाले आपको उतना भाव नहीं देते, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको वो सम्मान नहीं मिल पाता, सोसाइटी में वो मान सम्मान नहीं मिलता, आपका जो वर्किंग प्लेस है उसमें आपके कलीग आपका आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको भाव नहीं देते, आप जो भी करते हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, किसी प्रकार की हीन भावना आप में आ गई है, आ रही है, और आपका मन खिन्न रहता है, या पैसे संबंधित कोई समस्या है, रुकावटें आ रही हैं, किसी प्रकार की समस्या इस तरह की है, तो आपको करना क्या है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन एक हॉर्स का इमेज यानी घोड़े का इमेज लगा लें अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, आप गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लगा लें, दौड़ता हुआ घोड़ा, रनिंग हॉर्स, और फिर देखें कमाल, जल्द ही आप में वो हीन भावना दूर होगी, आप में एक्टिवनेस रहेगा, लोग आपका मान सम्मान भी करना शुरू कर देंगे, पैसे संबंधी या किसी प्रकार की जो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं उन सब का सॉल्यूशन होते आप जल्द ही देखेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने कर्ज से संबंधित कई बातें की, हमने अपने नॉर्थ डायरेक्शन को यानी उत्तर दिशा को ठीक किया, हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी ठीक किया, हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी ठीक किया, और हमने कुछ स्विचवर्ड बताए जिसका आप डेली चैंट करते हैं 5 मिनट, तो उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।